न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण के साथ विश्वविद्यालय में 48 करोड़ की 6 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस 5 सितंबर से 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस तक शिक्षक दिवस को हर वर्ष शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवाड़ी में रह रहे अपने गुरु KL गेरा को याद करना नहीं भूले। वहीं विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को अब ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी सुगम बना दिया है, जिसके लिए पहले उन्हें कभी विधायकों तो कभी मंत्रियों के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब सीनियरिटी के हिसाब से उनकी ट्रांसफर उन्हीं के गृह क्षेत्र में आसानी से हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में इस बार न तो मेडल लाने में खिलाड़ियों ने कोई कोर कसर छोड़ी और न ही सरकार ने उन पर इनाम के रूप में धनराशि की बरसात करने में। जितने मेडल इस बार खिलाड़ियों ने देश की झोली में डाले, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर बोले कि इस पहले एम्स के लिए मिलने वाली जमीन में कुछ अड़चने थी जो अब दूर कर दी गई है, और वैसे भी यह प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है। जल्द ही केंद्र से बात करके इसका निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। प्रदेश में हो रही किसान महापंचायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के न पहुंचने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वह आते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन परिस्थितिवश वह नहीं पहुंच सके, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव, विधायक लक्ष्मण यादव, सीताराम यादव, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK गक्खड़ और भाजपा के जिलाध्यक्ष हुकम चंद यादव सहित जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और अपने जितने शिक्षक हैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको अभिवादन देता हूँ, क्योंकि हमको भी अपने बचपन के शिक्षक जो स्कूल में हमें पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, सब आज याद आए हैं, सबका हमने सम्मान किया है। आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे, उनका जन्म दिवस है, और ये जो शिक्षक दिवस से शिक्षक पर्व के रूप में इस बार इसको मनाया जा रहा है 5 सितंबर आज से लेकर के, और 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर, तब तक ये शिक्षक पर्व चलेगा और पूरे देश भर में शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। आज इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनको लॉन्च किया गया, जिनका उद्घाटन किया गया, ऐसे कुल मिलाकर 47 करोड़ की 6 परियोजनाएं ये थी, और कुछ इनकी पुस्तकों के भी आज लॉन्चिंग हुई है और कुछ कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं मीरपुर विश्वविद्यालय के सभी संबंधित लोगों को, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्राध्यापकगण हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी, गुरु पर्व को लेकर के आपके शिक्षक दिवस पर कबीरदास जी के कुछ उदाहरण दिए थे, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी, एक जिज्ञासा थी कि मनोहर लाल जी ने स्कूल टीचर्स को बता दिए, मनोहर लाल जी के संगठन के भी टीचर्स रहे होंगे और राजनीतिक के रूप में भी टीचर्स रहे होंगे, तो एक स्वयं सेवक के और एक राजनीतिक के टीचर के बारे में जानने की इच्छा है। देखिए, वैसे तो हर श्रेष्ठ व्यक्ति हर किसी को कुछ न कुछ सिखाता है, शिक्षा देता है। ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स का और केवल गिनती का ज्ञान और लिखना पढ़ना ही सिखाने वाले हैं। जीवन में सद्गुण के लिए ऐसे बहुत से आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक रूप में भी शिक्षक हैं जो व्यक्तियों को उनके जीवन को सुधारते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे शिक्षक हैं। अब किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, किसी भी एक व्यक्ति को प्रारंभ से लेकर के, यानी एक प्रकार से परिवार में माँ बाप भी शिक्षक होते हैं। जब बच्चा जन्म होता है तो उसको
पहला जो अक्षर ज्ञान कराना होता है या पहला जो बोलने के लिए सिखाने की जो लहजा होता है वो परिवार में सीखता है। तो ऐसे हमारे समाज के अग्रणी लोग सभी शिक्षक का रूप एक प्रकार से होते हैं, हमको सबका ही सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। देखिए, आपकी जानकारी अगर हो तो उसकी ज़मीन का एक झगड़ा पड़ा था, कई साल तक पड़ा रहा। अब वो ज़मीन का मामला ठीक हो गया है, गांव के लोगों ने ज़मीन दे दी है, उसको खरीद लिया गया है, उसको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल पड़ी है, एम्स को देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इतना आगे बढ़ना इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि एम्स का काम है। हमने ज़मीन लेकर के, हमारा काम इतना था, हमने ज़मीन उनको लेकर के दे दी है। इसके बाद एम्स जो कि वो हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हम उनको निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका पहले से घोषित कार्यक्रम है, और कोई भी संस्था, कोई भी लोग, कोई यानी इस प्रकार का लोकतंत्र में अपना कार्यक्रम करते हैं और अपना कोई पंचायत करते हैं, उसमें तो करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जो वहाँ कर रहे हैं वो परिवार महापंचायत उनकी हुई है, कई प्रदेशों की हुई है, या हरियाणा में अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। रेवाड़ी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह पहले भी पार्टी प्रोग्राम था, उसमें भी दूरियाँ बनाए हुए थे, आज भी वो इन्वाइटेड थे, आज भी दूर है, क्या कहें? ऐसा नहीं है, देखिए ये हर किसी के अपने कार्यक्रम होते हैं, मुख्य कार्यक्रम किसका है वो आता ही आता है, बाकियों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, सब कार्यक्रम में लगे रहते हैं। आज वो अगर आते तो बहुत ही अच्छा था, नहीं आए होंगे तो किसी न किसी कारण से ही नहीं आए होंगे, ऐसा कोई विषय नहीं, हम कई कार्यक्रमों में इकट्ठे आते ही हैं।